मैं खाकी हूँ, ये कविता लॉकडाउन के बीच पुलिस के जज्बातों को बयां करती है। इस कविता में बताया गया है कि कैसे मुसीबतों को झेलते हुए भी पुलिस कर्म पथ पर डटी है। इसके बाद इसको लिखने वाली महिला आईपीएस अफसर सिमाला प्रसाद खूब चर्चा में है। सिमाला प्रसाद की गिनती एक दबंग लेडी आईपीएस के तौर पर की जाती है। मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अफसर सिमाला 2011 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। वो बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अच्छी पुलिसिंग को लेकर भी सिमाला मध्य प्रदेश में सुर्खियों में रही हैं। प्रदेश के कई जिलों में वो एसपी के रूप में तैनात रही हैं। मध्य प्रदेश के नक्सली प्रभावित इलाके डिंडौरी में बतौर एसपी सिमाला प्रसाद के काम को खूब सराहा गया था। मूल रूप से भोपाल की रहने वाली आईपीएस सिमाला प्रसाद के पिता भागीरथ प्रसाद भी आईपीएस रह चुके हैं और वो संसद में सदस्य भी थे। सिमाला की मां साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी हैं और उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। परिवार के माहौल से ही सिमाला प्रसाद ने पुलिस सेवा में आने का मन बना लिया था। सिमाला ने सेल्फ स्टडी करते हुए एमपीपीएससी की परीक्षा पास की और बतौर डीएसपी चुनी गई। डीएसपी बनने के बाद वे आईपीएस की तैयारी में जुट गई और साल 2010 में उनको सफलता मिली। इतना ही नहीं, सिमाला प्रसाद बॉलीवुड की दो फिल्में अलिफ और नक्काश में भी काम कर चुकी हैं, जिसमें उनकी एक्टिंग की खूब सराहना की गई थी। न्यूज डेस्क।